सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में बात करने वाले चैप्टर नंबर 4 पर, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 4 से बेसिकली हमें बताता क्या है कि जेंडर और रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर कैसे पॉलिटिक्स होती है, और पहले के समय में वुमेन की कंडीशन क्या थी, उनका लिटरेसी रेट क्या था, उनको वेज कैसे प्रोवाइड होता था, और उनका सोशल में या सोसाइटी में स्टेटस कैसा था, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो इस वीडियो में कुल मिला जुला कर 9 पॉइंट कवर करने वाले हैं, और ये भी देखेंगे जो एनसीईआरटी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं या पॉइंट्स हैं, उसको हम पिक के माध्यम से देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और देखिए, शॉर्ट नोट्स के लिए आप सभी इन दिनों जितने पॉइंट हैं सभी को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि इन केस आपके एग्ज़ाम के टाइम पीरियड में इस पॉइंट से केवल आप लोग देख लेंगे, तब भी आप लोगों का पूरा एकदम अच्छी तरीके से रिविजन हो जाएगा, ठीक है। और इन केस अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि वो पहले तो हम देख लें वर्ब यूज का क्या। तो हमने देखा कि जेंडर और रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर कैसे पॉलिटिक्स होती है, पहले भी होती थी और अब कैसे होती है, उसके बारे में पूरा तरीके से जानकारी लेंगे। और ये भी देखेंगे कि वुमेन का सोशल में या सोसाइटी में स्टेटस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो वुमेन है कैसे पॉलिटिक्स में आई, क्या उनके लिए क्या उनकी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, और क्या उनको बेसिकली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, जिस कारण वो भी इलेक्शन लोकसभा राज्यसभा सेंट्रल या जितनी पंचायत राज चाहे म्यूनसिपल पार्टीज की भी हो तो उनमें सबको अच्छी तरीके से पार्टिसिपेशन मिले, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि रिलीजन के बेसिस पर और एक खास कम्युनिटी के बेसिस पर कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, और क्या उसका फ़ायदा है और क्या नुकसान, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे सेकुलर क्या है, और हमारा जो सिस्टम है उसमें कास्ट के बेसिस पर कैसे इलेक्शन होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले वाले ओवर भी इतने से दूसरे पॉइंट बात करते हैं कि जेंडर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जेंडर में बेसिकली हम जो जानते हैं मेल और फीमेल कैटेगरी ब्रॉड रूप से डिवाइड है, तो इसमें देखते हैं कि मेन को जो है ज़्यादा पेंशन या ज़्यादा पगार मिलती, तो कोई काम करते तो ज़्यादा मिलती थी, लेकिन जो वुमेन थे उनको कहा जाता है कि आप लोग घर ही पर रहिए, कुकिंग शुकिंग करिए, इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस बेसिस पर तो डिवाइड ही किया जाता है, लेकिन इनकेस अगर कोई वुमेन भी यहाँ पे अगर कॉर्पोरेट सेक्शन में आती थी या इंडस्ट्री में काम करती थी उससे कम पैसा प्रोवाइड किया जाता था, मैन की ही इतना काम करती थी लेकिन उससे कम पैसा प्रोवाइड किया गया। लेकिन अब इस स्थिति में थोड़ा सुधार आया, अब दोनों को क्या है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हुए या उनकी मदद से दोनों लोगों को इक्वल वेज प्रोवाइड किया गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि लिटरेसी रेट हमारा पहले कितना वुमेन का डाउन ही था, ठीक है, मैं एमएन की कंपेरिजन में, ठीक है। हमें हमारी सोसाइटी वैसे भी बच्चों या जो है हमें लड़कों को ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो लोगों को भी फायदा हो, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जब समय के हिसाब बदला तो कई तरीके के अभियान चलाए गए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी जो जितनी भी बेटियाँ उनको पढ़ाने या शिक्षा देने का एक मुहिम लागू हुई, और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया प्रोवाइड किए गए, डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, और समाज को एक तरीके समझाने का प्रयास किया गया कि लड़कियों को शिक्षा देना क्यों अनिवार्य है, ठीक है। इस तरीके जागरूकता अभियान से मदद से ये सबको हुआ, ठीक है। और उनको इस बात पर भी डिस्क्रिमिनेशन तो हमने देख ही लिया कि वुमेन को कैसे डिस्क्रिमिनेट किया गया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि वुमेन जो है पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व हुई, ठीक है। तो देखिए, वुमेन को इन्वॉल्व होने के लिए हमने कई फैसिलिटी या कई तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। पहली ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि 1/3 जो हमारे राज्यसभा या लोकसभा की सीट है वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि कोई भी असेंबली हो या कोई MP MLA में कम से कम कोई भी पार्टी को 1/3 कैंडिडेट को जो है वुमेन रखना ही रखना पड़ेगा। इससे हुआ क्या कि जब वुमेन आएंगे पॉलिटिक्स में तो वो अपने अपने जो है कैटेगरी अपने कम्युनिटी को ज़्यादा बढ़ावा देंगी, यानी वुमेन को ज़्यादा बढ़ावा देंगी, और उनके शिक्षा से लेकर दीक्षा सब में सब में काम करेंगे, ठीक है। और बताएंगे उनका सोशल स्टेटस भी धीरे धीरे ऊपर हो गया, ठीक है। और यहाँ तक कि जो पंचायत राज है यानी कि लोकसभा पंचायत राज मतलब कि जितने भी हमारे विलेज हुए हैं, जितने भी हमारे सिटी हुई वहाँ पर म्यूनिसिपल पार्टीज में जितने थे उन लोग को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई कि यहाँ पर केवल वुमेन कैंडिडेट ही उठ सकती हैं लड़ने के लिए चुनाव। तो इस तरीके के हम लोग जानते हैं कि इस तरीके के फंडा लागू हुआ, ठीक है। तो अगर हम बात करें
फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो देखिए, इसमें बेसिकली रिलीजन की बेसिस पर, किसी कम्युनिटी की बेसिस पर कैसे पॉलिटिक्स की जाती है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी की जो कुछ फोटो लिया हूँ उसके उसके हिसाब से आप लोगों को बताता हूँ कैसे डिफरेंट तरीके की इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे इन लोगों को कम्युनिटी की बेसिस पर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। देखिए, जैसा कि पिक आ गई होगी तो हम पहले बात कर लेते हैं कम्युनलिज्म के बारे में, ठीक है। तो कम्युनलिज्म मतलब बेसिकली ये होता है कि जब कोई स्पेसिफिक ग्रुप, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक ग्रुप है, उसको अगर टारगेट करके वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, कोई भी अगर पार्टी है वहाँ पर अपने उस कम्युनिटी के अगर प्रोड्यूस करती है या वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा करती है ताकि ज़्यादा ज़्यादा वोट ले सके, ठीक है। तो वहाँ पर कौन क्या कहेंगे उसको, हाँ कम्युनलिज्म कहेंगे, ठीक है। यानी ये किसी खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा तो क्या होगा, हाँ कम्युनलिज्म होगा, ठीक है। देखिए, कई तरीके की यहाँ पर दिया कि कई तरीके की यहाँ पर वेरियस फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स है, ठीक है। पहला यही है कि कैसे उन लोगों को सुपरिटी दी जाती है या रिलीजन के बेसिस से ऊपर उठकर, मतलब कहीं पर हम देखें कि रिलीजन के बेसिस पर अगर पॉलिटिक्स होती है तो भी खराबी होती है, क्यों, क्योंकि तो कोई भी सब ग्रुप पर अगर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इसका एक इस रिलीजन के एक उस रिलीजन के, तो यह जब कम्युनिटी के बेसिस पर लड़ा जाता है तो क्या होता है कि दोनों रिलीजन को लेकर साथ में लड़ा जाता है, भले से दो ग्रुप बन जाता है लेकिन वहाँ पर कम से कम रिलीजन के बेसिस पर नहीं होता है। तो इससे फायदा, और एक फायदा होता है कि सारी कम्युनिटी में कम से कम स्ट्रेंथ तो बनी जाती है, भले से थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होता है लेकिन कम से कम वहाँ पर की यूनिटी यानी कंट्री की यूनिटी तो बनी रहती है। और दूसरा ये है कि जो हमारा जो ये जो हम जो मेजॉरिटी डोमिनेंस रहती है, अगर मान लीजिए कोई भी है तो जहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग रहेंगे वही जीतेंगे, इससे होगा क्या कि हमें अच्छा नेता मिलेगा। मेजॉरिटी इसलिए होगा क्योंकि देखिए सभी लोग, मान लीजिए 50 लोग हैं, 50 लोग में अगर हिंदू मुस्लिम में बात करें तो मतलब 25-25 है, लेकिन अगर वहीं पर 35 लोग अगर सेम विचारधारा के या सेम उस पर प्रॉपर्टी के हैं तो क्या होगा, ऐसे हाँ 35 वाला जीत जाएगा तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी, मतलब ज़्यादा लोगों का भला होगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर इसका यही फायदा क्या है कि भले से थोड़ा सा नुकसान तो है कि दो कम्युनिटी में डिवाइड होगा, लेकिन रिलीजन से तो बढ़िया ही है कि कम से कम एटलीस्ट वहाँ पर तो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट राइज ना हो, और इनके सुबह भी तो लोग ज़्यादा कम्युनिटी में तो अपना सॉल्व करने की कोशिश हो जाएगी, ठीक है। तो और लास्ट है कि पोलिटिकल मोबिलाइजेशन, और जो है ये जो हमारे आजकल के नेता भी हैं वो भी इसी मोटो को लेकर चलते हैं कि वहाँ पर एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, बल्कि कि एक रिलीजन को टारगेट करेंगे तो हो सकता है नुकसान भी हो जाए, और इलेक्शन कमीशन हमें कुछ ऐसा शर्त भी दे दे, या तो इलेक्शन कमीशन हमें दंड भी दे, अगर इनकेस कुछ दंगा फसाद हुआ तो वहाँ पर इलेक्शन रद्द भी हो सकता है। इसलिए उनका मेन मोटो रहता है कि वहाँ पर किसी एक रीजन या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को ही टारगेट बेसिकली करते हैं, ठीक है। तो अगला वाले में हम लोग देखेंगे कि और हमारे जो जितने सेकुलर हैं उसके बारे में क्या बताया गया, ठीक है। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं कि सेकुलर स्टेट, तो हम लोग देखिए देखिए जानेंगे सेकुलर मतलब क्या है। सेकुलर मतलब वही होता है कि जो कंट्री हो या जो कोई स्टेट हो या कोई भी रीजन हो जो किसी धर्म को फॉलो ना करे, जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में किसी भी धर्म को फॉलो नहीं किया जाता, तो ये क्या है, सेकुलर कंट्री है। क्यों फॉलो किया जाता है, बेसिकली यहाँ पर नेशनल लेवल पर नहीं फॉलो किया जाता, जैसे नेशनल फ्लावर कमल है, लेकिन ठीक है, लेकिन उसके बारे में तो कभी आपने सुना कि इंडिया का कोई नेशनल धर्म है नहीं, तो बेसिकली हमारी कंट्री क्या है, सेकुलर कंट्री। लेकिन देखिए श्रीलंका में कौन सी कंट्री है, सॉरी सॉरी श्रीलंका में बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, यानी वह बुद्धिस्ट कंट्री है। उसी तरह इस्लाम पाकिस्तान इस्लाम है, इसी तरह के हमारे अदर एग्जाम्पल है। तो हमारा पहला पॉइंट तो क्लियर ही हो गया। तो हम अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें, क्या इसमें कि और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप लोग यही रूल फॉलो किए, आप लोग यही चीज़ फॉलो, यही रिलीजन को फॉलो करिए। देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी दिया कि कुर्सी पर सभी धर्म को एक साथ ले जाने की प्रस्तावना की गई, कि मतलब सभी धर्मों को एक साथ लेकर हमें आगे बेसिकली बढ़ना है, ठीक है। और ये भी हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि इनकेस अगर किसी का धर्म को बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उसके लिए भी रूल बनाया है कि
तो उसको अगर इनकेस कोई पार्टी या कोई रूलिंग गवर्नमेंट कर रही है तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन रूल बनाएगा और उसे पार्टी से उसे टिकट रद्द हो जाता है। आप लोग भी सुने कि कभी किसी का टिकट रद्द हो जाना बेसिकली यही काज होता है कि वह किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को टारगेट करता है, ठीक है। और देखिए एक बात और बताया कि जो थर्ड सॉरी हाँ जो आपका फोर्थ पॉइंट से बेसिकली बताया कि अगर इन केस कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोवाइड करता है कि भैया सबको इक्वल रिलीजन फॉलो करना है, सबको इक्वल कम्युनिटी को फोकस करना है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास लेकर ही चलना है। इन केस अगर कोई पार्टी जीत भी रही है तो वो ये नहीं है कि कोई जो दूसरा कास्ट के जो रिलीजन के उनको दबा दे, ठीक है, उनको भी साथ लेकर चलना भले से आप उनकी वजह से ना जीते हो। तो कुल मिला जुला कर कॉन्स्टिट्यूशन एक सेफ और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे तरीके से रह सके, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है उसमें कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में कई तरीके के कास्ट हैं, कई तरीके के सोच और कई तरीके की विचारधारा के लोग रहते हैं। तो इसमें बेसिकली बताया कि देखिए पहले हमें दिखाएगा कि इतिहास यानी हिस्ट्री में क्या हमारी कंडीशन थी। तो हम देखते थे हिस्ट्री में क्या था कि सभी लोगों को अलग अलग कास्ट में डिवाइड, जैसे मतलब जितने भी हमारे पंडित थे उनको केवल पंडित लोगों को ही पूजा करने का अधिकार था और लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और जितने बैकवर्ड लोगों थे उनको तो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी कि समाज में थोड़ा सा नीचा स्थान होता था। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया तो वह सोशल इनइक्वलिटी दूर कर दिया, सबको कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र से एक समान देखा जाता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पर हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया बेसिकली, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, ठीक है, इस सारे फिगर हम देखते हैं कि क्या है बेसिकली। तो देखिए हमने पहला पॉइंट देख लिया कि क्या हाँ कि किसी भी को हम उसकी कास्ट या उसकी कलर या उसकी स्किन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यह क्या है पोलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट इक्वल में, मतलब अगर कोई भी माने हमारी पार्टी है तो उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप चाहे तो किसी भी कास्ट को लेकर चुनाव लड़िए, अगर कोई भी कैंडिडेट चाहे तो इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी बैकग्राउंड का हो सकता है, उसके कास्ट या उसके बैकग्राउंड के बेसिस पर हम उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर हम उसे सबको अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करें, जैसे कि हम लोग कई कई जगह देखते हैं कि कुछ जो हमारी सीट है रिजर्व कर दी जाती है कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, ताकि क्यों, क्योंकि उन लोगों का भी अच्छी तरीके से विकास हो सके, इनकेस कोई भी कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो तो धीरे धीरे सबका साथ सबका विकास और कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो तो साल हो जाए, ठीक है। तो बात करते हैं कि इस वाले पॉइंट के बारे में दिया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज एंड प्रिंसिपल आर वन। देखिए यहाँ पे दिया गया कि वन पर्सन और वन वोट, हम लोग समझ रहे हैं कि हर पर्सन की वोट की वैल्यू सेम होगी, चाहे पीएम मोदी दें चाहे वोट दें चाहे आप भी दें, सभी पीएम मोदी के वोट की वैल्यू जितनी होगी उतनी भी वैल्यू आपके भी वोट की होगी, यानी वन पर्सन की वोट की वैल्यू वन ही होगी, ठीक है। और कोई ये नहीं कह सकता कि हम भैया इतने बड़े हैं तो हमारे वोट की वैल्यू इतनी होगी, हमारे वोट की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। किसी को भी उसकी कास्ट के बेसिस पर, उसकी पोस्ट के बेसिस पर, उसे किसी भी अदर बेसिस पर हम उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर, सबको सेम वैल्यू रहेगी वोट की, ठीक है। तो हम लास्ट बात कर लेते हैं कि क्या हमारे बेसिक रीजन है कास्ट पॉलिटिक्स में, जितने हमारे स्टेट इन्वॉल्व उसके बारे में बात करते हैं क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें बात की थी कि ये हमारे जो अगर पार्लियामेंट पहला पॉइंट हो जाए कि अगर इन केस पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी सिंगल मेजॉरिटी सिंगल अपने कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, यानी कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आ सकती लोकसभा राज्यसभा में जो केवल एक ही स्पेसिफिक ग्रुप से जीते, माने कोई भी है तो अगर मान लीजिए एक कम्युनिटी से जीता है तो उसे यहाँ पर आने नहीं दिया जाए, ठीक है। कोई भी पार्टी गिन ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं भले से हमारी कंट्री है कोई एक रिलीजन या कोई एक कास्ट लेकर आ ही नहीं सकती क्योंकि उतना सीट नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों का परसेंटेज अलग अलग है, ठीक है। तो और दूसरा कि नो पार्टी बिन वोट ऑल द वोट इन कास्ट इन कमिटी। और ये भी बात है कि कोई भी अगर पार्टी है, देखिए फैक्ट है कि कोई भी पार्टी सबकी भले से कोई किसी कास्ट का हो, ठीक है,
वह अपने सारे कास्ट के वोट नहीं ले सकता। पूछिए क्यों? क्योंकि सबकी मानसिकता अलग अलग होती है। कुछ लोग लिटरेट होते हैं, वह कास्ट के बेसिस पर नहीं काम के बेसिस पर वोट देते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई ऐसी पार्टी जो केवल अकेले अपने दम पर ही सभी लोगों का वोट ले ले, एक वोट भी से रह जाए, इस ये भी हो नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए, और ये देखिए इस वाले पॉइंट में बताया गया कि सभी पार्टी कैसे लुभाते हैं। देखिए कहीं पर देखिए, मान लो किसी कम्युनिटी का कोस्ट ज़्यादा, तो वहाँ पे जो पार्टी है उसी कैटेगरी या उसी कास्ट या उसी सिस्टम के बेसिस पर ही उन्हीं लोगों को खड़ा करती है कैंडिडेट को, ताकि वो अपने कैटेगरी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए वोट ले आए, ठीक है। ये भी देखिए एक फैक्ट है कि वहाँ पर वो लोग जितनी पार्टी जानती है कि कहाँ पे किस कैंडिडेट को खड़ा करना, किस कास्ट का होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोट ले सके, ठीक है। और ये भी बताया गया कि जो हमारे रूलिंग पार्टी है उसमें सभी कैटेगरी या सभी रिलीजन के लोग होते ही होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे बताया गया जितने हमारे एमपी हैं, जितने एमएलए हैं, सभी कास्ट के ही होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ हमारे पॉइंट्स या कुछ थॉट्स थे जो बताए कि कैसे कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है और कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, ठीक है। आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग अब लास्ट बात कर लेते हैं कि पॉलिटिक्स एंड कास्ट, मतलब कास्ट में, सॉरी, जो हमारी पॉलिटिक्स है कास्ट में, तो हम देख लिया कि कैसे इन्वॉल्व है, वहाँ के जो पर्सन कैसे वहाँ की स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को करते हैं, उस प्रकार हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ ऐसी कमियाँ हैं उनके बारे में बेसिकली गिनाया गया है, तो हम उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फिगर बना है, यहाँ पर बेसिकली बता रहा है कि जो पर्सन है उसके ऊपर गंदगी फेंक दी गई, क्यों? क्योंकि यह थोड़ा सा बैकवर्ड क्लास का था। ये जितने भी फोटो है थोड़े पुराने समय के ना, इसके कास्ट, इस पर्सन के कास्ट कलर के बेसिस पर से डिस्क्रिमिनेट किया गया, ठीक है। लेकिन अब की कंडीशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब से सबको इक्वल राइट दिया, तब से कोई भी पर्सन किसी का भी मान हानि नहीं कर सकता, ठीक है, उसके सम्मान को हानि नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमें वेरियस पॉइंट तीन बेसिकली दिए हैं, इसमें बता रहा है कि क्या डिफरेंट कंडीशन और क्राइटेरिया है कि जो है जो पॉलिटिक्स का कास्ट सिस्टम को कैसे ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दिया कि इस कास्ट ग्रुप ट्राई टू बिकम बिगर बाई इनकॉर्पोरेट विद इन द नेबरिंग हार्ट। इसमें दिया गया कि मान लीजिए कोई भी अगर ग्रुप है जो है ना, ठीक है, और जिसकी जिसकी जो लोग ज़्यादा है वो लोग सोचते हैं कि हम ही लोग ज़्यादा डोमिनेट करें, ये प्रवृत्ति सबको हटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि अगर हमें अपनी कंट्री कम्युनिटी बनानी है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। कोई स्पेसिफिक सबको साथ रहेंगे तो यूनिटी बनी रहेगी, यूनिटी बनेगी तो देश का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली दूसरा पॉइंट किया कि इस कास्ट ग्रुप लिखा गया कोलिशन, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि इन केस किसी गवर्नमेंट भी नहीं बनती है तो दोनों लोग क्या करते हैं कि आपस में गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या है कि जब कोई मान लीजिए पार्टी गवर्न नहीं कर पाती है तो वह दूसरी अपोजिट पार्टी करती, भैया आप लोग मेरे साथ आ जाइए और मिल के हम लोग गवर्नमेंट बनाए, तो यही बेसिकली क्या है, हाँ, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट को बढ़ावा देंगे तो इससे होगा क्या, सभी लोगों का ग्रोथ होगा, ठीक है। छोटी भी ग्रुप है जो माइनॉरिटी में भी उनका भी ग्रोथ होगा, जो मेजॉरिटी में तो उनका ग्रोथ तो होगा ही, ठीक है। इसी तरह इस बेसिस पर हमें नहीं डिवाइड करना चाहिए कि इसी को हम फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास, ठीक है। इस तरीके ग्रुप को हमें डिमोलिश करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने अब तक कितने पॉइंट देख लिए, तीन पॉइंट में देख लें कि क्या कमियां हैं, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो मैं एक बार पूरा तरीके से समराइज करता हूँ। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि कास्ट, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पर कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसके बारे में देखा। और दूसरा देखा कि वुमेन लोग को कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था पहले और उनकी अब कंडीशन कैसी है, ठीक है। और ये भी देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है या डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, उनके बेसिस पर कैसे डिफरेंट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, कैसे डिफरेंट नेता हैं वो कैसे अपने कैंडिडेट को चुनते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लुभाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर हमने देख लिया कि पॉलिटिक्स, कास्ट, रिलीजन उनमें कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चों आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिए अभी आप लोग, कर लें, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आप लोग एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो हमें बता दीजिए, ठीक है।